हेलो स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से आपकी क्लासेस स्थगित कर दी गई हैं। अगले आदेश तक आपकी क्लास स्थगित रहेगी और आप लोगों को पढ़ाने के लिए यह YouTube चैनल स्टार्ट किया गया है। और जब तक क्लासेज आपकी स्थगित चल रही हैं, तब तक आप लोग पढ़ने के लिए KL पॉलिटेक्निक के YouTube चैनल को देख सकते हैं और वहां से आप अपने अपने ब्रांच के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। यह सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स में एक आपका नया चैप्टर है बलियुग्म, जो बलियुग्म शुरू कर रहे हैं। बलियुग्म में बलियुग्म होता क्या है? बलियुग्म जो होता है, विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समान परिमाण एवं समांतर बलों के ऐसे जोड़े को बलियुग्म कहते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं होती हैं। जैसे दो बल हैं, यह एक बल है और यह दूसरा बल है। दोनों बल एक समान बल हैं। मान लेते हैं बल आपके P और P हैं। यह दोनों बल एक समान हैं और यह एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, या इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन ये आपके एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे बलों को ही हम लोग बलियुग्म कहते हैं। बलियुग्म का मतलब होता है बलों का एक ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे के समांतर हो और दोनों बल समान बल हों। ऐसे बलों को ही हम लोग बलियुग्म कहते हैं। अगला है आपका बलियुग्म की प्रवृत्ति। बलियुग्म की प्रवृत्ति क्या होती है? बलियुग्म की प्रवृत्ति पिंड को घुमाने की होती है। बलियुग्म के द्वारा हम लोग किसी पिंड को घुमाने का कार्य करते हैं। जैसे यदि यह कोई पिंड है तो इस पर यदि कोई बलियुग्म कार्य करेगा तो यहाँ से एक बलियुग्म ऊपर की तरफ लगाया जाएगा और एक बलियुग्म नीचे की तरफ लगाया जाएगा, तो यह पिंड इस तरह से घूमने लगेगा। तो यह होती है बलियुग्म की प्रवृत्ति, जो पिंड को घुमाने का कार्य करती है। इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे पानी की टोटी को घुमाकर खोलना। जब हम लोग पानी की टोटी को घुमाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों की उंगलियों के द्वारा पानी की टोटी को एक आगे की तरफ फोर्स लगाया जाता है, दूसरी तरफ पीछे की तरफ फोर्स लगाया जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर बलियुग्म उत्पन्न होता है और हमारी पानी की टोटी खुल जाती है। अगला है आपका घड़ी में चाबी भरना। जब घड़ी में चाबी भरी जाती है तो उंगलियों के द्वारा चाबी पर दो बल लगाया जाता है। एक बल चाबी को आगे की तरफ ढकेलता है और दूसरा बल चाबी को पीछे की तरफ ढकेलता है, जिससे आप उंगलियों के द्वारा चाबी पर बलियुग्म उत्पन्न होता है और बलियुग्म उत्पन्न होता है तो उसके बाद हमारी घड़ी में चाबी भरी जाती है। ताले में चाबी घुमाना, यहाँ पर भी हाथ के द्वारा बलियुग्म उत्पन्न होता है। चौथा है आपका किसी चूड़ीदार ढक्कन को खोलना या बंद करना। जब किसी चूड़ीदार ढक्कन को हम लोग खोलते हैं या बंद करते हैं तो वहाँ पर उंगलियों के द्वारा जो बल कार्य करता है वह बलियुग्म कार्य करता है, क्योंकि जब किसी भी ढक्कन को खोलते हैं तो वहाँ पर एक उंगली के द्वारा आगे की तरफ बल लगता है तो दूसरी उंगली के द्वारा पीछे की तरफ बल लगता है, तो वहाँ पर दोनों बल मिलकर बलियुग्म उत्पन्न करते हैं, जिससे वह ढक्कन या तो खोला जाता है या फिर वह ढक्कन बंद होता है। अगला है आपका साइकिल के हैंडल को घुमाना। साइकिल के हैंडल को घुमाने के लिए दोनों हाथों के द्वारा बलियुग्म उत्पन्न किया जाता है, बलियुग्म लगता है, तब बलियुग्म के कारण ही साइकिल के हैंडल को हम लोग घुमा पाते हैं।
अगला है आपका बलियम की भुजा। बलियम की भुजा क्या होती है? बलियम बनाने वाली दो बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को बलियम की भुजा कहते हैं। अब बलियम बनाने वाले हमारे दो बल कौन कौन से हैं? चित्र में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक पी बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है और दूसरा पी बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। यहाँ पर दो पी बल कार्य कर रहे हैं और दोनों बल एक दूसरे के क्या हैं? समान हैं। जब दोनों बल समान हैं और इनकी क्रिया रेखाएं आप देख रहे हैं, इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। समान बल और एक इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो यह बलयुग बन रहा है और बलयुग बन रहा है और दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, उसी को हम लोग बलयुग की भुजा कहते हैं। यहाँ पर ए से बी की जो दूरी है, यह दूरी आपकी बलयुग की भुजा है और बलियम आपकी एक सदिश राशि होती है जिसका जिसका मात्रक एसआई प्रणाली में न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर होता है या न्यूटन एमएम तथा एमकेएस प्रणाली में, जिसे हम लोग मीटरी प्रणाली कहते हैं, मीटरी प्रणाली में इसका मात्रक बलियम का केजी मीटर या केजी सेंटीमीटर होता है। धन्यवाद।